अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनाहिल्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मनाहिल किचन में क्या बन रहा है? आज मनाहिल किचन में बन रही है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलते हैं किचन की तरफ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 गिलास पानी और उसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो जी 2 गिलास हमने पानी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब इमली और इसको हम खूब पकाएंगे। यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हमने पकाना है 5 से 10 मिनट लगभग। तो जी यहाँ पे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। यहाँ हमने एक बारीक सी छन्नी ली है जिसमें हम इसको छानेंगे और इसके अब पल्प जो है हम अलग कर लेंगे। अब हमने एक पैन लेना है और ये जो सारा स्ट्रेन किया हुआ इसका पानी है इमली का, इसको हम इस पैन में डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो जी इसको हम पका रहे हैं। जैसे ये जोश आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गुड़ 1 कप, तकरीबन 250 ग्राम के करीब। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। हम इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ें, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच और नमक है 1/2 चाय का चम्मच। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी ये बिल्कुल पक रहा है, इसमें बॉईल भी आ रहे हैं अच्छे से। ऐसा ऐसा हम इसको मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन 1/2 घंटा लगेगा पकने में ताकि अच्छे सा गाढ़ा बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चलाते जाएंगे। जी आप देख सकते हैं इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसको मज़ीद हम पकाएंगे ताकि एक अच्छे सा गाढ़ापन इसमें आ जाए। तो जी ये बिल्कुल रेडी है और हमने इसको सर्व कर दिया। आप इसको रमज़ान में बनाएं, समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, दही भल्लियों के साथ, ये सब के साथ चलेगी। इसको बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।